नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 78 न्यूज़। आज की ताज़ा खबर पेश है आपके सामने खेल जगत से, जहां पर कानपुर में KSPL कमेटी और ऑल इंडिया ग्रुप के द्वारा डिस्क पॉइंट कप की घोषणा की गई, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। KSPL कमेटी और ऑल इंडिया ग्रुप के मैनेजर और डायरेक्टर आज अनाचाइज होटल में एक मीटिंग के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर केक काटकर इस मीटिंग का उद्घाटन किया गया। इस मीटिंग में मुख्य रूप से गोपाल सिंह, डॉक्टर विनीत रस्तोगी, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, अमित जायसवाल काका भाई और चंदी भाई मौजूद रहे। इस मीटिंग का उद्देश्य इस डिसपॉइंट कप की ट्रॉफी का अनावरण करना और इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए नियम और कानूनों से सभी टीम के कैप्टन्स को अवगत कराना था। इस मौके पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 8 टीमों के कप्तान मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें सभी खिलाड़ी तकरीबन 35 साल की उम्र के ही रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि इसमें सभी खिलाड़ियों को 35 प्लस रखा जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार के पेशेवर खिलाड़ियों का खेलना वर्जित है। इस टूर्नामेंट में आकर्षक इनामों के साथ साथ कैश इनामों की भी बरसात की जाएगी। ये सभी मैच शनिवार को खेले जाएंगे और कानपुर के विभिन्न स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का आगाज 23 दिसंबर से होगा। 8 टीमें जो इसमें भाग लेंगी, उनको सभी टीमों को 7-7 मैच खेलने के लिए मिलेंगे, यानी एक टीम 7 मैच खेलेगी और इस रोमांच से भरे हुए टूर्नामेंट को इन सभी खिलाड़ियों ने काफी प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार की खेल जगत और किसी प्रकार की देश विदेश और शहर की जुड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए यूपी 78 इंडिया न्यूज़ के साथ।